का बोध हुआ है, जिससे हम अनभिज्ञ थे, जिससे हम अपरिचित थे, जिससे हम दूर थे, और इसीलिए हम सबके जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस धरती पर आकर हम सभी के कल्याण के लिए इस विद्यालय का स्थापना किया है। इस विद्यालय का मुखिया कौन है? इस विद्यालय का मुखिया कौन है? प्रिंसिपल कौन है? इसका प्रिंसिपल कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जो रोज पढ़ाता है, स्टूडेंट बना दिया ना हम सबको, विद्यार्थी बना दिया, क्योंकि आजकल पढ़ाई का स्तर भी हम देखते हैं धीरे धीरे करके काफी नीचे गिरता जा रहा है। एक जगह विद्यालय में पढ़ाई चल रही थी, सामने टीचर बैठ करके श्री रामचरित मानस के ऊपर व्याख्यान कर रहे थे। कुछ बच्चे हल्ला कर रहे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ मस्ती कर रहे थे। अचानक उड़न दस्ता आ गया। उड़न दस्ता समझते हैं ना, जो चेकिंग के लिए आ जाते हैं। तो उड़न दस्ता आकर के देखा कि श्री रामचरित मानस के ऊपर यहां पढ़ाई जा रही है। उसने सोचा चलो आज बच्चों के इसी के ऊपर पूछ लेते हैं प्रश्न। वो उड़न दस्ता टीचर आकर के बच्चों से पूछता है कि शिव धनुष किसने तोड़ा? इतने में एक बच्चा खड़े होकर के कहता है, सर मैं नहीं तोड़ा। क्योंकि कई लोग बचना चाहते हैं ना, शायद हमारा नंबर न लग जाए, इसलिए पहले ही खड़े होकर के बोल दिया, सर मैंने नहीं तोड़ा। तो उसको आश्चर्य लगा, जो उड़न दस्त आया था उसको ये बात आश्चर्य लगा कि ये कैसे बोल रहा है। इतने में जो टीचर पढ़ा रहे थे वो कहता है, सर इसी ने तोड़ा। अब बात उलझ गई हो, स्टूडेंट कहता है मैंने नहीं तोड़ा, टीचर क्या बोल रहा है, इसी ने तोड़ा। अब वो उड़न दस्ता जो आया था उसके दिमाग में आया कि चलो इस बात को लेकर के मैं प्राचार्य तक जाता हूं, प्रिंसिपल तक जाता हूं। प्रिंसिपल के पास गया कि सर मैं आज चेकिंग के लिए आया था, एक क्लास में जाकर के पूछा, वहां टीचर श्री रामचरित मानस के ऊपर पाठ पढ़ा रहे थे, तो मैंने बच्चों से पूछा कि शिव धनुष किसने तोड़ा? तो एक बच्चा कहता है, सर मैंने नहीं तोड़ा, और टीचर कहता है इसी ने तोड़ा। आपका क्या विचार है? तो प्रिंसिपल बोलता है, सर ऐसा है, आजकल के बच्चों को ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, जिसने भी तोड़ा होगा सर छोड़ दो ना, इन बातों को यहीं खत्म कर दो। तो वो जो आया था उड़न दस्ता, उसके भी दिमाग में आया, अरे ये तो और बात बिगड़ती जा रही है। स्टूडेंट कहता है कि मैंने नहीं तोड़ा, टीचर कहता है इसी ने तोड़ा, और प्रिंसिपल क्या कहता है, खत्म कर दो सर इसी, यही बात को खत्म कर दो। अब वो जो स्कूल का जो प्रबंधक था, मेन मुखिया, उसके पास गया उड़न दस्ता, उसको जाकर के सारी बातें बताया। जाकर के उसने बोला कि सर ऐसी सी बात है, मैं आज एक क्लास में गया, श्री रामचरित मानस के ऊपर पाठ चल रहा था, मैंने बच्चों से पूछा शिव धनुष किसने तोड़ा, तो बच्चा कहता है, एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने नहीं तोड़ा, टीचर कहता है इसी ने तोड़ा, प्रिंसिपल कहता है छोड़ दो, आपका क्या विचार है? तो वो कहता है, सर ऐसा है, आजकल ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, बच्चे लोग स्ट्राइक कर देते हैं, इसलिए जाने दो सर, कारपेंट्री से नया बना देंगे, कारपेंटर से नया बना देंगे, जिसने भी तोड़ा हो बात को खत्म कर दो। ये आज की पढ़ाई का समाचार है। तो हमारे विद्यालय, इस विद्यालय में आकर जो सत्य ज्ञान हम सबको मिलता है, उस सत्य ज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन का विकास होता है।
हमारे विचारों में एक महानता आ जाती है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि मनुष्य आत्माओं के अंदर जो नैतिक मूल्य, दैवी गुण जो होना चाहिए, उसका धीरे धीरे करके पतन होता जा रहा है। और उसका भी एक मुख्य कारण है कि हम सब अपने पिता परमात्मा से दूर हो चुके हैं, उससे बेमुख हो गए हैं, उससे परिचय नहीं है। आज लोग भगवान को तरह तरह तरीके से याद तो करते हैं, उसकी उसको पुकारते भी हैं, लेकिन जो शक्ति, उसकी एनर्जी, उसकी पावर, उसके गुण जो हमारे में अंदर आना चाहिए वो नहीं आता है। आप सबको एक बात सुनाना चाहता हूं। हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्दुल कलाम जी, जो हमारे बीच अब कुछ सालों से नहीं है, वो इस विद्यालय के काफी संबंध संपर्क में थे और माउंट आबू उनका आना जाना होता रहता था। तो उसने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उसने कहा कि परमात्मा के बारे में मेरे मन में बहुत भ्रांतियां रहती थी कि जब से मैं इस विद्यालय से जुड़ा, जब से मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आया, तब से मुझे पता चला कि परमात्मा एक है और वो शिव बाबा है। ये उसके मुख से निकला था। तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि जो हमें यह ज्ञान मिला है उसे हम दूसरों को भी समझाएं, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही है। भगवान इस संसार पर आ गया है, ये पता ना चले ऐसा हो नहीं सकता। पता तो चलना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सबको पता चलेगा ही। जो हमारे पुराने लोग हैं वो सबको मालूम होगा, बहुत साल पहले किसी ने हल्ला कर दिया कि गणेश की मूर्ति दूध पी रहा है, मालूम है ना। लोग अपने घरों की दूध खाली कर दिया, मूर्ति के सामने जाकर जाकर के दूध पिला दिए, पूरा खाली कर दिए दूध। और 5 मिनट के अंदर आधी दुनिया को पता चल गया, अमेरिका में भी पता चल गया, ब्रिटेन में भी पता चल गया, रशिया में भी पता चल गया, भारत में गणेश की मूर्ति क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। 5 मिनट लगा, कितना मिनट, 5 मिनट। उन दिनों तो इतना व्हाट्सएप भी नहीं था, ईमेल भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, आजकल तो फटाफट मैसेज चला जाता है। इसी तरह से जो परमात्मा, जो शिव बाबा है, वो इस धरती पर आकर के हमें एक सुंदर दुनिया के लिए तैयार कर रहा है। ये काल चक्र जो 5000 वर्ष का चक्र है, ये चक्र अब फिरते 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 लास्ट में आ गया है। ये परमात्मा आकर के हमें याद दिलाया है कि बच्चे तुम्हारा जीवन कितना श्रेष्ठ था, कितने महान थे तुम। हम सब देवकुल की आत्माएं हैं, सभी जो भी मानव मात्र हैं, सभी मनुष्य मात्र देवकुल की आत्माएं हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जीवन चक्र जो धीरे धीरे आगे फिरता जाता है, कलयुग के अंत में आते 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 हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं, अपने पिता को भूल जाते हैं, और बेमुख होने के कारण से बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में विकृतियां आ जाती हैं। अब इसको ठीक कौन करे? ठीक करने के लिए स्वयं भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है, और भगवान ही आकर के हम मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ मत, जिसको श्रीमत कहा जाता है, वो श्रीमत दे करके हमारे जीवन का विकास करते हैं, पुनः देव युग की स्थापना करते हैं, नए संसार की स्थापना करते हैं। और उस नए संसार में जाने के लिए
हम सबको योग्य बनाते हैं। परमात्मा याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हें इस संसार पर कैसे भेजा था। जैसे छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है, माँ खास करके माँ लोग अपने बच्चे को तैयार करते हैं ना, अच्छी तरह से उसको कंघी करेंगे, बस्ता दे तैयार करके देंगे, टिफिन तैयार करके देंगे, स्नो पाउडर भी लगाएंगे, किसी के नजर न लगे करके काजल भी लगा देंगे और टाटा करेंगे, जा बेटा अच्छे से पढ़ के आना घर में। जाते समय बच्चा कैसे रहता है और आते समय कैसा रहता है, कैसा रहता है बच्चा? जो स्थिति जाते समय रहता है वो स्थिति आने से आते समय रहता है क्या? नहीं रहता है ना, बदला हुआ रहता है ना, धूल मिट्टी से खेल करके कूद करके दोस्तों के साथ मस्ती करके आता है और आने के बाद क्या पूछते हैं उसको, अरे बेटा तुम कहाँ चला गया था, किसके साथ खेलने चला गया था, ये तुमने क्या हालत कर लिया अपना। भगवान भी हमें पूछता है कि मैं तुम लोगों को इतना सुंदर बना करके भेजा था, ये क्या हाल कर लिया, क्या हाल कर लिया। हमारी मनोहर दादी थी, वो दादी कहती थी अकल भी चौपट सकल भी चौपट, दोनों चौपट हो गया। सकल भी कितना सुंदर था, सबने देखा है ना लक्ष्मी नारायण का फोटो, श्री राम सीता का फोटो, इस तरह का हमारा जीवन था। और आज आज सुंदर बनने के लिए, चेहरा को सुंदर बनाने के लिए कहां जाते हैं, कहां जाते हैं सुंदर को, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए? आप लोग खुद ही समझ लो कहां जाते हैं। आत्मा को सुंदर बनाने के लिए भगवान आकर के ये विद्यालय रूपी ब्यूटी पार्लर खोला है, इसे पैसा नहीं लगता है। किसको सुंदर बनाने के लिए? आत्मा को सुंदर बनाने के लिए ये विद्यालय खोला है, ये पार्लर खोला है, ये हॉस्पिटल खोला है, जिसमें हर मनुष्य आत्मा को आकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाने का अधिकार है, हर एक को अधिकार है। हमारे यहां जिस स्थान पर मैं रहता हूं उसका नाम ज्ञान सरोवर है माउंट आबू में, वहां पर 6 महीना हमारे विंग्स के प्रोग्राम चलते हैं, भारत के लोगों की अलग अलग विभागों की सेवा करने के लिए। आप लोगों में से बहुत लोग माउंट आबू होकर के आए होंगे, अलग अलग लोग आते हैं, कभी धार्मिक विंग वाले आएंगे तो पूरे धर्म के लोग पूरे भारतवर्ष से आते हैं, कभी पॉलिटिकल लीडर को बुलाते हैं तो पॉलिटिकल वाले सब आते हैं, कभी मेडिकल वालों को बुलाएंगे तो पूरा मेडिकल वाले आएंगे, कभी महिलाओं को बुलाएंगे तो पूरा महिलाएं आएंगे। और लक्ष्य क्या होता है कि ये लहिया लोग भी जाकर के अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में अपने जीवन का परिवर्तन करें। परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन आवश्यक है, और परिवर्तन की शुरुआत किससे करनी है? स्वयं से। आज हर मनुष्य दूसरे को बदलना चाहता है, ये बदले तो मैं बदलूं। घर में झगड़ा का मुख्य कारण क्या है? सास सोचती बहू बदले, बहू बदली सास सोचती बदले, मैं बदल जाऊं, मेरे बदलने से परिवार बदल जाएगा, मेरे बदलने से परिवार में सुख शांति आ जाएगी, इसकी जरूरत है। क्योंकि अगर हम स्व से शुरुआत करेंगे तो हम पूरे समाज को बदल सकते हैं, परिवार को बदल सकते हैं, आसपास के लोगों को बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग यहां परमात्मा के घर में आकर के, इस विद्यालय में आकर के अपना जीवन बदल दिया, जिसके अंदर बहुत गलत संस्कार रहते थे, जो गलत काम करते थे, जिनका जीवन नरकमय रहता था, ऐसे लोग भी इस विद्यालय में आकर के उनका जीवन बदल गया। और उनका बदलने का आधार श्रेष्ठ संग, अच्छी शिक्षा और राजयोग।
हमारे यहाँ विशेष रूप से अभी आदरणीय भाई जी आएंगे, आप सबको डिटेल बताएंगे गीता बहन जी और भाई जी। लेकिन हमारे विशेष हमारा जो परिवर्तन का आधार है वो क्या है? राजयोग। राजयोग यहां पर सिखाया जाता है और उस राजयोग के माध्यम से हमारे जीवन में बदलाव आता है। कई लोगों के मन में ये थोड़ी भ्रांति रहती है कि शायद योग सीखने के लिए यहीं रहना पड़ेगा, घर द्वार छोड़ के आना पड़ेगा, बाल बच्चों को छोड़ के आना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लाखों भाई बहन है यहाँ पर, लाखों जो परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन आधा घंटा एक घंटा समय निकाल करके राज्यों का अभ्यास करते हैं। और राज्य बहुत सहज है, इतनी सुंदर विधि है जिसको कोई भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है। एक बार जब आप इसको सीख जाएंगे तो आपके जीवन के आचरण में आ जाएगा। और उसके लिए सबसे सुंदर विधि है, सुबह उठते ही आप खुलते ही 5 मिनट 10 मिनट उस परमात्मा से शक्ति ग्रहण करना, उससे कुछ अच्छे विचार ले लेना, उस प्रीतम से परमात्मा से कुछ क्षण के लिए बात कर लेना, ये राजयोग है। मन बुद्धि से स्वयं को आत्मा समझ करके परमात्मा तक पहुंचना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और उसकी सर्वशक्तियां जब आत्मा में आने लगती है तो आत्मा की बुराइयां धीरे धीरे करके समाप्त होती है। हमारे से गलती कहां हो रही थी अभी तक? हम सब अभी तक पत्ते पत्ते में पानी डालते थे, यहां से शांति मिल जाएगी, यहां से सुख मिल जाएगा, यहां से खुशी मिल जाएगी, लेकिन हम किसको भूले हुए थे? बीज को भूले हुए थे। परमात्मा आकर के हमें उस बीज का, सत्य बीज का ज्ञान देते हैं, बोध कराते हैं। और जैसे उस सुप्रीम पावर से हम जुड़ जाते हैं, हमारी आत्मा के अंदर वो शक्ति आने लग जाती है, वो पावर आने लग जाता है और जीवन बदल जाता है। बदलने का आधार राजयोग है, योग। योग का अर्थ ही है एक दूसरे से जुड़ना। कई लोगों के मन में रहता है कि योग तो बहुत मुश्किल है। कईयों कैसा रहता है, ज्ञान सहज है, सत्संग में जाना सहज है, किसी को भी ज्ञान सुनाना भी सहज है, लेकिन जैसे योग की बात आएगी ना, कहेंगे अरे ये तो बहुत मुश्किल है। या फिर क्या करेंगे, जैसे ही हमारे यहां जो लाल लाइट जलाया जाता है योग के समय, लाइट जलते ही कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जैसे मैं योग में बैठती हूं उसी समय इधर उधर भागने लग जाता है, उसके पहले नहीं भाग रहा था। और उसके लिए हमें सबसे सुंदर तरीका है उस परमात्मा का परिचय और उस परमात्मा के साथ जुड़ना, उसको पहचानना, वो कहाँ है, किस स्थान पर है, क्या करता है, कैसे आता है, क्या उसके अंदर है, उसको जानना और मन बुद्धि से जाना है। जैसे एक छोटा सा विधि आप सबको करा देता हूं मैं, अभी आधा मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सभी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके अपने अपने घर जाइए, जो आपका घर है, जहां आप सोते हैं, जहां उठते हैं, जहां बैठते हैं, जहां खाना बनाते हैं, जहां घूमते हैं, बगीचा होगा, फ्रिज होगा, सब चक्कर लगा लीजिए अपने अपने घर को। अब चक्कर लगा करके वापस आ जाइए, आंखें खोल लीजिए। कौन कौन अपने घर गए थे, हाथ उठाओ। अच्छा, सब गए थे। कौन कौन दूसरे घर में गए थे, वो हाथ उठाओ।
किसको अपने घर जाने में मुश्किल लगा वो हाथ उठाओ। यही योग है, इसी का नाम योग है। योग कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आप सहज रूप से यहां से संकल्प से अपने घर गए, उसी प्रकार से संकल्प से अपने उस परमात्मा के पास जाना है, उस सुप्रीम पिता के पास जाना है। और जैसे हम जाएंगे, जैसे आप अपने घर में गए होंगे, आपका घर का सारा सीन याद आ गया होगा, है ना। घर वालों को बोल के आए होंगे, आज 2 घंटे का प्रोग्राम है भाई जी, कल जाने वाले हैं, 1 दिन और छुट्टी दे दीजिए। बहुत मुश्किल से कई लोग छुट्टी दे करके आए होंगे, 2 बातें सुनना भी पड़ा होगा। तुम जब देखो तब चली जाती हो, आज भी 2 दिन के लिए बोला था, 3रे दिन भी चली गई आज। तो वो सब सीन हमें याद आ गया। ठीक इसी प्रकार से जब हम परमात्मा के पास जाते हैं, ये सूर्य चांद तारा गण से भी पार। कहाँ रहता है शिव बाबा, सबको पता है शिव बाबा कहाँ रहता है? सभी उंगली ऐसे करे ऊपर, परम धाम। कहाँ रहता है शिव बाबा? परम धाम में रहता है ना। तो जैसे अपने अपने घर नीचे तरफ गए थे, ऐसे आत्मा समझ करके ऊपर जाना है। मुश्किल है क्या? मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, सहज है। जिसके लिए लोग उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन साधना करते रहे, कठिन तपस्या करते रहे, कई तरह की अपने अपने युक्तियां निकाले, परमात्मा आकर के हमें सहज योग। यहाँ की मुख्य 2 बातें हम सब सुनते हैं, सुनाते हैं लोगों को, सहज ज्ञान और सहज योग। ज्ञान भी सहज, योग भी सहज, दोनों सहज है, कोई मुश्किल नहीं है, सहज है। ये ज्ञान हमें मिल गया कि मैं देह नहीं, मैं एक आत्मा हूं। आत्मा कहाँ रहती है बताइए सभी, आत्मा कहाँ रहती है? सभी उंगली कर लीजिए एक बार, ऐसा ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए, पीछे तरफ तो नहीं चला गया, देख लीजिए, है ना। आत्मा ही शरीर का क्या है? आत्मा ही शरीर का ड्राइवर है। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए आगे बैठता है, ऐसे ही शरीर को चलाने के लिए आत्मा रूपी ड्राइवर कहाँ रहती है? ब्रिकुटी के मध्य। कितना विशाल ज्ञान है हमारी माताओं के पास, है ना। 7 दिन के कोर्स के माध्यम से इतना ज्ञान सुन लेती, इतना ज्ञान सुन लेती है कि वो छलकती रहती फिर माताओं का, जो भी मिलेगा अपना ज्ञान सुनाना शुरू कर देती। अच्छी बात है, इसलिए बाबा ने माताओं पर कलश दे दिया है, छलकाते रहो ज्ञान, है ना। जगत माताएं, बाबा ने माताओं को क्या उपाधि दिया? जगत माताएं, भारत माता है। माता जी बोल रही भारत माता। तो कमाल किसका है? कमाल किसका है? बाबा का है। बाबा ने आकर के जगत माता की उपाधि दे दिया। तो सचमुच यह जो समय है, सत्युग से प्रारंभ होकर के सत्युग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर युग बीत गया, अब कलयुग भी अंत में आ गया। अब ये छोटा सा संगम युग जिसमें हम सभी अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा से मिलन मनाते हैं और जन्म जन्म का भाग्य बनाते हैं, जन्म जन्म का भाग्य। तो हम सभी कौन हो गए? हम सभी कौन हो गए? पद्मा पदम भाग्यशाली हो गए। कौन कौन भाग्यशाली? यहाँ जो भाग्यशाली बैठे ऐसे सब भाग्यशाली बैठे, बाकी जो नहीं आए वो कौन है फिर? वो भी भाग्यशाली है, उनके लिए भी अच्छी भावनाएं रखनी है, वो भी आ जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रत्यक्षता का डंका कानपुर से ही बजने वाला है, है ना। तो सचमुच
हमें अपने रोज भाग्य का गुणगान करना है। सुबह उठते ही थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, बिंदु बन जाइए, जैसे आत्मा बिंदी ऐसे थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे वालों को भी जगह देंगे, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, और भी भाई बहने आ रहे हैं उनको जगह देना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा और बिंदी बन जाइए थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए बेटा पीछे रहो तुम, हम सब की जो पिता परमात्मा शिव बाबा संगम युग का सत्य ज्ञान दिया, और इस ज्ञान के माध्यम से ही हमारा जीवन का उद्धार हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए जो भी सत्संग पर आए हैं यहाँ पर, चाहे वो ज्ञान में चलने वाले हैं चाहे अभी तक नहीं चलते हैं, सभी कौन है, सभी भाग्यशाली है। ऐसे हाथ करें सभी, ऐसे हाथ करें, ऐसे अपने पीठ पर लगाए, वाह रे मैं, बोले वाह रे मैं, तीन बार बोलो वाह रे मैं, कितने खुश है, चेहरा चमक गया सबका। घर में जाकर के भी बोल देना, मैं वाह रे मैं, कहेंगे इसको हो क्या गया, हम शांति जाने के। दूसरों को भी कहना आप भी वाह वाह है, खुश रहना है, खुशी कम नहीं होना चाहिए हमारा, है ना। हम सब कौन है, एक तो वाह रे मैं, और दूसरा याद रखना मेरे जैसे भाग्यवान कोई नहीं, करो ऐसे हाथ ऐसे, मेरे जैसे भाग्यवान कोई नहीं, मेरे जैसे भाग्यवान कोई नहीं, मेरे जैसे भाग्यवान कोई नहीं, देखा उड़ता पंछी बन गए सब, है ना, भाग्यवान है। रोज अपने भाग्य का गुणगान करे बस, बाबा ने हम सबको आकर के खुशी का मौका दिया है। बहुत सारा जीवन का समय हमने दुख में बिता दिया, अशांति में बिता दिया, और वो क्षण बीत गए, अब खुश रहना है। आप खुश रहेंगे तो बाबा की शक्ति मिलती रहेगी। भगवान भी हम बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं। तो जब आप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं तो परमात्मा अपने बच्चों को खुश देखना नहीं चाहता। मैं बहुत साल पहले जगदलपुर गया था एक बार, बस्तर छत्तीसगढ़ में, एक माता बहुत बुजुर्ग, उस माता के घर में जाना हुआ। उस माता जी से मैंने पूछा, माता जी मुरली सुनती हो, तो कहा बेटा क्या करे, पहले वो छोटे छोटे मेरे नाती पोता थे उनको मैं बोला करती थी, वो पढ़ के सुना देते थे, अब वो बड़े हो गए सब अपने कारोबार में लग गए, तब मुरली कोई नहीं सुनाते बेटा। तो मैंने कहा माता जी अब क्या करते हो, बोले क्या करती हूँ, सुबह मेडिटेशन करती हूँ, योग करती हूँ पहले, फिर मुरली लेती हूँ और छाती में तीन बार लगा लेता हूँ, मेरा बाबा, फिर पलट देता हूँ, प्यारा बाबा, फिर पलट देता हूँ, मीठा बाबा, हो गया, कमाल है। कहती इसी से मुझे शक्ति मिल जाती है, कमाल है बाबा का। न मन में था न चित्त में था, ऐसे रास्ते चलते हमें भगवान मिल जाएगा। किसी ने सोचा था ऐसा भगवान मिल जाएगा, कभी सोचे थे सफेद कपड़ा पहनकर को शांति मांगे, ऐसा सोचे थे कभी, कभी नहीं सोचे थे। तो कमाल किसका है, बाबा का कमाल है, शिव बाबा का कमाल है। इसलिए हम सभी को अपने इस जीवन पर बहुत गर्व होना चाहिए कि कौन से जन्म का ऐसा श्रेष्ठ कर्म है, ऐसा कौन सा पुण्य है जो भगवान आकर के हमें अपना बच्चा बना लिया, गोद में बिठा लिया, बाहों में समा लिया, जिसके लोगों ने ठुकरा दिया था, जिसको जिसको लोगों ने नीचे गिरा दिया था,
ऐसे गिरे हुए के उठा करके गले कौन लगाया? बाबा ने लगाया। और उसके लिए हम सबको कुछ न कुछ थोड़ा समय निकाल करके सत्संग करने के लिए जरूर आना चाहिए सेवा केंद्रों पर, क्योंकि बाबा ने जो सेवा केंद्र बनाना है